यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक को लेकर अब सख्त नजर आ रहे। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया। जानकारी के मुताबिक सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है, जिसको वह जल्द धरातल पर लागू कर देगी। यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं की फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद पेपर लीक की समस्या से निजात पाया जा पाएगा। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें आरओ एआरओ यूपीएसएससी पीईटी और यूपीटीईटी के पेपर लीक की घटनाएं भी शामिल है। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही और इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें यह प्रावधान किया जा रहा कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा तो उसकी संपत्ति पर जेसीबी चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषी को जल्द सजा मिले, इसके लिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल चलेगा। पेपर लीक कानून के लिए सरकार ने मसौदा भी तैयार कर लिया है और प्रदेश में अभी पेपर लीक के आरोपी आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि सख्त कानून का ना होना। साल 1998 में बने कानून के तहत ही अभी राज्य में कार्रवाई की जाती है और इसमें 1 से 7 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है, और ऐसे में आरोपियों को कड़ी सजा का कोई डर नहीं रहता है और वो बेबाकी से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं।